अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरशद हेल्थ टीवी देख रहे हैं। ये जो मैंने मेडिसिन का सिलसिला शुरू किया है सिंगर एमडी, ये सारी वीडियोस अगर आप देख लें और इनको समझ लें तो मुझे उम्मीद है कि आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए हम आज की जो मेडिसिन है उसके बारे में आपको बताते हैं कि कौन कौन से मरीज़ कौन सी अलामत वाले इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी मेडिसिन का नाम है कास्टिकम। नंबर वन, अपनी जगह से उठते वक्त पीठ और कमर में अकड़न और सख्ती हो जाए, मर्द हो या औरत, तो इसको ज़रूर आजमाएं। कास्टिकम 30 सुबह दोपहर शाम दो दो कतरे। नंबर टू, रात को जिन हिस्सों पर लेटे शदीद दर्द करें, एक मिनट भी न लेट सके, तो ये मेडिसिन ज़रूर आजमानी चाहिए। कास्टिकम 30 सुबह दोपहर शाम दो दो कतरे। नंबर थ्री, अगर उजलात में शदीद दर्द हो, जोड़ों की शक्ल बदल चुकी हो और पट्ठे सख्त हों, तो ये मेडिसिन उनके लिए सुनना है। कास्टिकम 30 सुबह दोपहर शाम दो दो कतरे। नंबर फोर, खांसते या छींकते वक्त पेशाब निकल जाता हो, तो ये मेडिसिन उनके लिए बड़ी नेमत है। कास्टिकम 30 सुबह दोपहर शाम दो दो कतरे। नंबर फाइव, अगर कोई मरीज़ सिर्फ खड़ा होने की हालत में ही पखाना या पेशाब कर सकता हो, तो उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है। कास्टिकम 30 सुबह दोपहर शाम दो दो कतरे। नंबर सिक्स, अगर बच्चा देर से चलना सीखे तो सिर्फ कास्टिकम 200 ताकत की एक खुराक इस प्रॉब्लम को दूर कर देगी। नंबर सेवन, अगर चेहरे के दाएं जानब का फालज हो या लकवा हो जाए, तो ये बहुत बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है। कास्टिकम 30 सुबह दोपहर शाम दो दो कतरे। नंबर एट, आवाज़ के ज़्यादा इस्तेमाल से आवाज़ बंद हो जाए, गला बैठ जाए, तो उनके लिए बहुत ही मुफीद मेडिसिन है। कास्टिकम 30 सुबह दोपहर शाम दो दो कतरे इस्तेमाल करवाएं। नंबर नाइन, अगर घुटनों में कड़कड़ाहट और खिंचाव हो और दर्द भी होता हो, तो इसे ज़रूर आजमाएं। कास्टिकम 30 सुबह दोपहर शाम दो दो कतरे। आप पाकिस्तानी ले लें, मसूद कंपनी की, श्वाबे जर्मन की ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परहेज़ में आपने कोल्ड ड्रिंक्स, खट्टी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, इनसे बचना है, परहेज़ करनी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।